और इसे बड़े होश और जोश से युवा शक्ति इसे सेलिब्रेट कर रही है, इसका हम स्वागत करते हैं। और इन्हें सब युवाओं को, देश के युवाओं को, मुंबई के युवाओं को, इधर उपस्थित युवाओं को मन से शुभेच्छाएं देते हैं और आने वाले स्वतंत्रता दिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जैसे माँ गंगा बहती हैं और चलते चलते अपने रास्ते करते जाते हैं, वैसे भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पे ये घर घर तिरंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित सारे लोगों ने तय किया है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा, राहुल नार्वेकर जी आ गए हैं, अभी मुझे लगता है कि अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाना है, इसलिए ये हर घर में, आपके घर में, हमारे घर में, कोई घर नहीं बनना चाहिए जहां ये तिरंगा फहराया जाना चाहिए। इससे हमको हमारे देश की, हमारी राष्ट्रीयता, हमारी एकता का एक परिचय मिलता है। स्वतंत्रता दिवस को मना रहे, किस तरह से आप घर घर तक तिरंगा पहुँचाने का आप कार्य करेंगे? देखिए, जो देश के 75वां स्वतंत्रता दिवस
दिवस है, ये पूरे देश में एक त्यौहार से भी बढ़कर इस तरीके से मनाया जा रहा है। और आज आप देख सकते हैं सैकड़ों युवक आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मुंबई में इतनी बड़ी संख्या में सभी युवक तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आपके सामने मुंबई में हाजिर है। और हर घर तिरंगा का संकल्प 100% मुंबईकरों ने लिया है और आपको आने वाले 13 तारीख से 15 अगस्त तक सभी घरों में मुंबई के तिरंगा लहराते हुए दिखाई देगा। तो आज ये रैली कहां तक आपकी जाएगी और इस रैली के माध्यम से मुंबईकरों को क्या कुछ मैसेज देंगे आप? हम मुंबईकरों को नहीं, हम देश को, पूरे विश्व को ये मैसेज देना चाहते हैं हम युवक कि आज हमें 75 साल की आज़ादी के बाद ये अभिमान सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। जो लोगों ने कुर्बानी दी है, जो हमारे जवानों ने कुर्बानी दी है, उन सबको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए हम सब युवा पूरे मुंबई में आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए एक संदेश सभी मुंबईकरों को देना चाहते हैं कि हर घर में आप तिरंगा लगाइए। तो तेजिंदर जी, जिस तरह से आप इतने ऊर्जा के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे, विपक्षी जो युवा हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष में बैठे हुए लोगों को क्या उनको भी इस यात्रा में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल, जब देश का सवाल आता है तो कोई राजनीतिक पार्टी अलग नहीं होती है, ये देश का सवाल है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आप देखोगे कि 75 साल के इतिहास में पहली बार पूरे देश में इतने उत्साह के साथ में एक त्यौहार के नाते जो हमारे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मोदी जी का आदेश आया है कि हर घर तिरंगा रहना है, तब से हम तैयारी में लग गए हैं। और आज इतनी बारिश होने के कारण भी जितने युवा आए हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जोश है, जो 75 साल पहले जो जिन लोगों ने देश के लिए आज़ादी के लिए लड़ा था उनमें जो जोश है, आज वही जोश हमारे युवा साथी यहाँ लेके आए हैं। नहीं तो इतनी उम्मीद नहीं थी, जिस हिसाब से बारिश हो रही थी ऐसा लगा नहीं था कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो पाएंगे। मगर आज एक हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर घर तिरंगा रहना चाहिए, तो उस हिसाब से हमारे युवा आज सब आगे बढ़ के आए हैं। और हमारे अध्यक्ष श्री तेजेंद्र तिवाना जी ने ये संकल्प लिया था कि हम जो रैली निकालेंगे वो सबसे अच्छी होगी और एक अच्छा संदेश देंगे हम देश के युवाओं को। किस तरह से लगता है हर घर तक ये तिरंगा पहुंचेगा? अवश्य पहुंचेगा। सम्माननीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे पूरे देश भर में आने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, जो 13 से 15 तारीख तक घर घर तिरंगा जो आह्वान हम लोगों को कर रहे हैं इस बाइक रैली के माध्यम से, पूरे मुंबई नहीं पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में युवा मोर्चा बाइक रैली और विभिन्न एरियाओं में जाके इसका प्रचार करके हर एक नागरिक को आश्वस्त करेगा कि वो अपने घर में तिरंगा ले रहा है। और आने वाले 13 तारीख से 15 तारीख के बीच में पूरा हिंदुस्तान तिरंगामय होगा। धन्यवाद।